गिरिडीह में सड़क पर अवैध कब्जे की जांच के लिए एसडीएम प्रेमलता मुर्मू बेरहा सुयाडीह पंचायत पहुंची। आरोपी अतिक्रमणकारियों ने कहा कि वर्षों से पूर्वज यहां रहते आ रहे हैं। एसडीएम ने कहा, जिला उपायुक्त के आदेश पर पहुंची हूं, मामले की जांच के लिए जांच उपरांत कानूनी कार्यवाही द्वारा की जाएगी। जैसे मेरा परदादा घर बनाया पहले, तो फिर मेरा परदादा से दादा आया, फिर मेरा बाप आया, उसके बाद हम लोग बनाए, अभी मतलब रह रहे हैं घर में। घर तो बहुत सालों का पहले बना है, गाँव में किसी से भी पूछ सकते हैं। बाकी उसका रास्ता है दूसरे तरफ से, उसका ज़मीन भी हम लिए थे, मारपीट करके ज़मीन ले लिया, और जबरन ये मतलब खाली मौज का ताव से चाह रहा है कि मैं इसका घर तोड़ा के रहेंगे। अगर ऐसा उचित लगता है कि आदमी देखेगा कि टूटने का लायक होगा तो तोड़ के ले लें। सर, बेरहा सुयाडी के इस गाँव विशेष में आज एसडीएम मैडम का आगमन हुआ है, साथ में आप भी हैं और दूसरे भी लोग प्रखंड से आए हैं, क्या विषय है? यह अतिक्रमण का मामला चल रहा है, रास्ते पर अतिक्रमण है, इस पर वाद चला है और वाद में फैसला भी दिया गया है। इनको समय दिया गया था कि आप अतिक्रमण हटा लें, इनके द्वारा अभी तक कोई अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। एक दिन हम लोग फोर्स के साथ भी आए थे तो यहाँ पर एजिटेशन हो रहा है, इसी संदर्भ में जो है किसे कुछ लोगों ने उपायुक्त महोदय से शिकायत की थी और उसी शिकायत के निराकरण के लिए हम लोग आए हैं। क्या आप सभी प्रखंड से आए हुए जो पदाधिकारी गण हैं, उनका आगमन किसी एक विशेष अतिक्रमणकारी के लिए ही हुआ है या फिर अन्य अतिक्रमणकारी भी यहाँ पर हैं जिनसे आप बात आज करेंगे आप लोग? यहाँ पर तो अभी एक ही मामला है और दूसरा मामला कोई संज्ञान में नहीं है, संज्ञान में आते उस पर भी एक्शन लिया जाए। क्या लगता है ये जो अतिक्रमण का मामला है इसका समाधान निकल पाएगा? उम्मीद तो करते हैं समाधान निकल जाएगा। चलिए, धन्यवाद मैडम। बेरहा सुयाडी पंचायत में आज आपका आगमन हुआ है, क्या उद्देश्य है आपके आगमन का? कल उपायुक्त गिरिडीह के द्वारा बताया गया था कि बेरहा सुयाडी में कुछ ऐसा विवाद है जो आम रोड है, इसका अतिक्रमण कर लिया गया है, उसी के तहत आज हम लोग जाँच पे आए हैं। हम और सीओ साहब हैं, यहाँ के लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि कैसे इसका समाधान निकाला जाए। यहाँ के लोग अतिक्रमण के विषय में अभी तक जो बात आपकी हुई है यहाँ के लोगों से या फिर जिसने अतिक्रमण किया है, अभी तक क्या बात हो पाई है? अभी यही जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि कहाँ तक सरकारी ये रोड पड़ता है जो सभी लोगों के लिए आवागमन का रास्ता है, उसका अतिक्रमण किया गया है, अभी अवलोकन भी किया जा रहा है।